चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सभी को जय हिंद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? यहाँ पर जो आप देना है, कह रहा है कि भैया कौन शब्द आपका तत्सम है, वन का ऑप्शन देना है। तो आप कहेंगे सर नेवला दिया है, नया है, नयन है और नब्बे है। जब आधा अक्षर दिया गया हो तो बस आपको तुक्का मार देना है, है ना। बताया है कि तत्सम अगर आपको नहीं आता है और आधा अक्षर आपको दिया गया है कहीं, तो बस आप लगा दीजिएगा आंसर नंबर आपका डी, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब आधा अक्षर वाला लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत शब्द का तद्भव रूप इनमें से क्या होता है? विद्युत का तद्भव शब्द इनमें से क्या होता है? दूसरा ऑप्शन देना है। तो विद्युत का भैया बीघा नहीं होता है, आप कहेंगे सर बिजली होता है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर में जो बोली जाती है वो कौन सी बोली बोली जाती है, कौन सी बोली क्षेत्र में यहाँ पर आता है? चलिए थ्री नंबर दिया है तो आप कहेंगे सर मेरठ दिया है और खड़ी बोली, आपका आंसर यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका है सी नंबर है वो राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? चलिए प्रयत्न के आधार पर जो ला है ये किस प्रकार की है, यहाँ पर देना है आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फोर नंबर दिया है और फोर की बात करते हैं तो ला जब बोलते हैं तो जीभ आपकी पीछे से आपको आगे का आती हुई प्रतीत होती है। जीभ के बगल में थोड़ी सी जगह होती है, उसको बोलते हैं पार्श्व, इसलिए इसको बोलते हैं पार्श्विक ध्वनि है। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा बी नंबर। अगला है कि किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? चलिए बताइएगा किस काल को गद्य काल के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है और यहाँ पर बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका फाइव। और देखिए सब लोगों ने इस मिडल पेपर को संभवतः लगा लिया होगा, और अगर आपने लगा लिया है तो भैया गलती आपसे नहीं होना चाहिए, है ना। एक भी गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एक चीज़ एक बार आप पढ़ लीजिए तो फिर उसको भी आपको आना जरूरी है, है ना। चलिए तो देखिए फाइव नंबर का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, आधुनिक काल हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। गद्य काल को किस नाम से, तो आधुनिक काल के नाम से जानते हो, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तिमिर का पर्यायवाची है? तिमिर का पर्यायवाची क्या होता है? तिमिर कहते हैं अंधकार को, कहते हैं अंधकार दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सभी का सही है, बी नंबर है, यहाँ पर अंधकार हो जाएगा। अगला दिया गया है कि अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है? अति मतलब ज़्यादा होता है, वृष्टि मतलब बारिश होती है। तो आप कहेंगे जब ज़्यादा बारिश होती है, है ना, तो उसे कहते हैं अतिवृष्टि, और भैया जब कम बारिश हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो अनावृष्टि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस शब्द का अर्थ सूर्य, पंडित, अंधा और सूरवीर आदि होता है? मतलब आपसे अनेकार्थी पूछ लिया है। तो भैया सूर्य, पंडित, अंधा, सूरवीर ये जो होते हैं वो सूर के होते हैं। यहाँ पर आठ नंबर का जो ऑप्शन बी दिया है राइट आंसर आपका हो जाएगा सूर होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? तो भैया इसे बोलते हैं अविभाज्य, क्या बोलते हैं? अविभाज्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर अगर आ रहा है ए नंबर है तो बिल्कुल सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेरे को बाजार जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो भैया मेरे को और तेरे को करते हैं अनपढ़ लोग, है ना, जो गाँव से जाते हैं दिल्ली या बॉम्बे और आते हैं तो यहाँ पर अंग्रेजी पोंकने लगते हैं गाँव में। तो भैया मेरे को और तेरे को हिंदी में प्रयोग नहीं करना है, याद रखिएगा। ये मेरे को क्या संज्ञा है? आप कहेंगे सर ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। क्या है? ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पर मेरे को बाजार जाना है गलत दिया गया है, मुझे बाजार जाना है ये सही होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सही वर्तनी आपको बताना है, कि भैया सही वर्तनी क्वेश्चन नंबर आपके 11 में कौन सी है? जवाब देखिए आप लोगों के एडवांस में आ चुके हैं ना, आप लोगों के जो जवाब हैं बिल्कुल एडवांस में आ चुके हैं। यहाँ पर देखो आविष्कार जो सही लिखा जाता है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो आविष्कार यहाँ पर याद रखिए ये वाला जो ऑप्शन दिया गया है डी नंबर है, आविष्कार ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दिए गए चारों विकल्पों में से कौन शब्द आपका पुरलिंग है? पुरलिंग की पहचान तो आप लोग जानते होंगे, कैसा और कैसी से भी पता कर सकते हैं, सुबह कैसी है, है ना, मिर्ची कैसी है, जीरा कैसी है, जीरा कैसा है, क्या बोलेंगे जीरा कैसा है, तो ये आपका आंसर हो जाए आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मामा का बहुवचन बताना है, मामा का बहुवचन क्या होता है? तो मामा का मामी मत करिएगा, क्योंकि बहुवचन पूछा गया है और मामा का मामा ही होगा, मामा लोग नहीं हो सकता है, ठीक है, मामा का मामा ही होगा, जैसे पापा का पापा ही होता है,
ठीक है ना, यहाँ पर आंसर आए ये हो जाएगा। हाँ मामा ढेर सारे हो सकते हैं लेकिन पापा एक ही होंगे, तो पापा का तो पापा होगा ही होगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इसमें कौन सा कारक है। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, है ना, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, के शब्द है करण से, मतलब यहाँ पर पब्लिक के द्वारा भी कर सकते थे, है ना। तो अधिकरण में मैं तो हुआ नहीं, कर्म हो नहीं सकता है, संप्रदान हो नहीं सकता है, तो आप तो ऑप्शन लगाइए डी नंबर करण वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया गया है परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है आपसे पूछा गया है। तो परिवार की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे परिवार ये आपका समूहवाचक है, क्योंकि व्यक्तिवाचक हो नहीं सकता, भाव आपका नहीं है, यहाँ पर जातिवाचक होगा नहीं, तो आप कहेंगे सी हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर ये बोल देता पारिवारिक, है ना, पारिवारिक शब्द हो जाता तो भी भाव हो जाता। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक अधिक जो विशेषण है ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये अधिक अधिक शब्द जो दिया गया है वो किसकी विशेषता बता रहा है। तो अधिक क्या देता है, गाय देती है क्या, दूध देती है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर जिसका है बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है, रिक्त स्थान आपको उचित आपको विलोम यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देना है आपका आंसर 17 नंबर में। तो देखो यहाँ पर दिया गया है मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, है ना, तो क्रिया यहाँ पर कैसी है, सकर्मक क्रिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पत्र क्या है, कर्म है, और जब कर्म होता है तो भैया सकर्मक आपका हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। अकर्मक नहीं है भाई, अकर्मक कैसे लगा रहे हो, देखो पत्र क्या है, कर्म है, और जब कर्म मौजूद है और क्रिया भी हो रही है तो ये सकर्मक हो जाएगा। अगला दिया है संभवता हुआ लिखता हो, क्या दिया है, संभवता हुआ लिखता हो, इस वाक्य में काल पूछा गया 18 नंबर में, तो आप कहेंगे सर ये पूर्ण तो होगा नहीं, अपूर्ण मतलब नहीं है, तो आप कहेंगे संभव्य दिया है, तो यहाँ पर संभवता ये संभव्य वर्तमान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया गया है इनमें से किस वाक्य में कर्मवाचक दिया गया है, देखिए कर्मवाच्य में कुछ शब्द आपके होते हैं, जैसे द्वारा शब्द लगा होगा, और द्वारा शब्द लगा हो तो आंख मूंद कर लगा दीजिएगा, श्याम पुस्तक पढ़ेगा, फोकस हुआ है श्याम पर, इसमें कर्म है नहीं है, श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, है ना, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अब आप कहेंगे सर 19 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, द्वारा शब्द लगा होता है तो याद रखिए वो कर्मवाच्य में आपका पहुँच ही जाता है। अगला आपसे कह रहा है कि उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है, उप मतलब होता है छोटा, और छोटा जो होता है वो लाइन के पहले आ जाता है, अर्थात शब्द के पहले हो जाएगा, तो आप कहेंगे शब्द के पहले जो जुड़े होते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा बी नंबर। अगला है कि इनमें से त्र प्रत्यय शब्द बना आपका कौन सा है, त्र प्रत्यय से बना शब्द इनमें से कौन सा है, दानशील होगा नहीं, शिक्षक आपका होगा नहीं, तो आपका बचा हुआ है पितृभक्ति में, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी राइट हो जाएगा, त्र प्रत्यय शब्द से बना है तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्योंकि यही आपका बचा हुआ है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर विकल्पों में से सही संविच्छेद आपको करना है। चलिए हाँ यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर आपका होगा क्या, चलिए जल्दी से बताइएगा। देखो यहाँ पर दिया है अध्यापिका, फिर यहाँ पर इकाएं कोई मतलब आपका नहीं है, ये शब्द आपका नहीं लगा, ये वाला जो ऑप्शन दिया है सी नंबर 22 का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर अध्यापिकाएं, अध्यापिका के साथ ए जोड़ देंगे तो ये आपका संविच्छेद का चयन आपका बिल्कुल सही बन जाएगा। अगला दिया गया है कि निष्फल का सही संविच्छेद क्या होता है, यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है निष्फल, ये जो सा है ना इस सा को हटाना है, और आपको बताया है कि विसर्ग संधि में रूल होता है सा सा सा, ये तीनों को हटाकर विसर्ग लगा देना है, और आप कहेंगे सर इसका आंसर सी हो जाएगा, ये हो गया आपका विसर्ग संधि। अगला है कि हे भगवान मेरी रक्षा करो, है ना, हे भगवान मेरी रक्षा करो, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सबका नैया पार करो, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ये हे भगवान, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक ये पॉइंट लगा है, तो अर्थात ये विस्मयाद बोधक चिन्ह जो दिया है ये इसकी कमी है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गुदड़ी का लाल इस मुहावरे का आशय क्या है, गुदड़ी का लाल इस मुहावरे का आशय पूछा गया है। तो भैया गुदड़ी का लाल मतलब क्या होता है, निर्धन परिवार में बेटे का जन्म होना, निर्धन परिवार में धन का आना, निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना ये होता है गुदड़ी का लाल, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है आपसे जिंदगी के
असली मज़े उनके नहीं हैं जो फूलों की छाँ के नीचे खेलते सोते हैं, बल्कि फूलों की छाँ के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जिनका कंठ सूखा हुआ है, वो फटे हुए हैं, सारा बदन पसीने स्तर है, पानी से जो अमृत वाला तत्व तो है उसे जानता है, धूप में खूब सूख चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं है। ये गद्यांश में था। तो देखिए, आपसे कह रहा है 26 दिसंबर में उपयुक्त गद्यांश में अमृत वाला तत्व का तात्पर्य में से है क्या? तो अमृत वाला तत्व मतलब होता है जीवन के सार से जुड़ा हुआ है, ये जीवन के सार से जुड़ा हुआ है। और अगला है, उपयुक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया है? यहाँ पर देखो, पूरा यहाँ पर दिया गया है, जो श्रम थे, आलसी लोग थे, परिश्रमी थे, तो आप कहेंगे श्रम के बारे में यहाँ पर बताया गया था। अगला दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जो धूप में खूब सूख चुका है, वाक्य से आशय क्या होता है? मतलब जो कड़ा परिश्रम करते हैं उनको सफलता जरूर मिलती है, आज नहीं तो कल मिलेगी, एक रूप में नहीं तो दूसरे रूप में मिलेगी जरूर आपको सफलता, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है, गद्यांश में प्रयुक्त ओठ दिया गया है, और ओठ का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? चलिए, ओठ का तत्सम दिया है 29 नंबर में, तो आप कहेंगे ओठ का होता है होठ नहीं होता है ओष्ठ होता है, जो कि ऑप्शन जिसका आ रहा है यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही लग जाएगा, है ना। चलिए देखो, दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार फूलों की छाँ के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह किसके लिए है? ये स्वाद जो होगा, जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं वही तो छाँ का मजा ले पाएंगे। भैया, रेगिस्तान में इतनी गर्मी है, अगर पेड़ के नीचे जाओगे तो स्वाद तो उसी को मिलेगा, यहाँ पर जो पहले मेहनत करेगा। यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है वो बी हो जाएगा, क्लियर है। अगला दिया गया है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास ए, किस संत कवि की है? मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में ये पंक्ति है किस संत कवि की? ये पंक्ति है आपकी कबीर की है, इसका जो आंसर है वो आपका बी नंबर ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, क्लियर है। चले, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा जितना अक्खड़ है बड़ा उतना ही क्या है भैया? छोटा जितना अक्खड़ है, इसका मतलब बड़ा थोड़ा सा क्या होगा? नम्र स्वभाव का होगा, इसका मतलब ये है नम्र होगा, नहीं होगा, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। छोटा भाई जितना अक्खड़ है बड़ा भाई उतना ही भद्र है, याद रखिए, आंसर आपको बी नंबर है, यहाँ पर भर देना है बी नंबर। अगला दिया गया है कि अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? अब आप लोग इतनी स्पीड में जवाब दे रहे हैं और सही सही जवाब दे रहे हैं, इसका रीजन क्या है बता डालिएगा, कि आप लोग इतना सही जवाब दे रहे हैं और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ दे रहे हैं, इसका राज क्या है ये आप लोग बताइए जल्दी से, कि इतने शुद्धता के साथ आप लोग आंसर दे रहे हैं, क्या राज है? नकल वाले राज है या मेहनत वाले राज है? चलिए, हाँ तो देखो, यहाँ पर कहेंगे सर अलका सरावगी को किस रचना के लिए मिला था 33 नंबर में, तो आप कहेंगे सर काली कथा जो वाया पाईपास है, इसके लिए साहित्य अकादमी मिला था, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। अगला है, बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले चाचा चौधरी पात्री के रचनाकार आपके कौन हैं? चलिए देखो, हमने आपको बताया है कि चाचा है ना भैया, चाचा और भतीजे में जान बसी होती है ना। यहाँ पर देखिए 34 नंबर में, तो आप कहेंगे सर बच्चों में बसे होते हैं चाचा के प्राण, अर्थात यहाँ पर बोलेंगे कि सर यहाँ पर प्राण कुमार शर्मा ये बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले चाचा चौधरी पात्री की रचनाकार आपके हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आम के पत्ते किसकी रचना है? आम के पत्ते किसकी रचना है जिसके रचनाकार को व्यास सम्मान भी दिया गया है? तो देखिए, आम के पत्ते हैं, और आम के पत्ते हैं तो दोस्तों याद रखिए रामदरस मिश्र इसका जो आंसर है वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका इनमें से कौन सी है? यहाँ पर देखिए भैया, ये भाषा पत्रिका है, इसको पहले वाले मॉडल पेपर में आपको बताया गया है। तो भैया, केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका है बी नंबर भाषा, इसका आंसर राइट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है। अब देखा जाए तो 37 नंबर में, तो आप कहेंगे सर बाल बोधनी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र मैगजीन है, कविवचन सुधा है, ये आनंद कादम्बनी तो आपकी है नहीं है। अब ये आपकी है किसकी है? भट्ट की है, बिल्कुल सही है, भट्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सूर सागर किसकी रचना है यहाँ पर बताना है। तो आप कहेंगे सर सूर सागर की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपके हो जाएगा ये सूरदास की है। किसकी है? सूरदास, जिसको ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला है विख्यात भारत माता मंदिर जो आपका है कहाँ पर है। 39 नंबर में विख्यात भारत माता का जो मंदिर है वो आपके है कहाँ पर। गलती नहीं होना चाहिए, गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए इस मॉडल पेपर में, ठीक है। आज आपको पूरे के पूरे नंबर लेके आना है, कुछ भी हो जाए दिमाग से लगाइएगा। विख्यात भारत माता मंदिर 39 नंबर में, तो आप कहेंगे सर ये है आपके है वाराणसी में है, कहाँ पर है वाराणसी, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। देखा जाए तो इसका निर्माण बाबू शिव प्रसाद गुप्त और शुभारंभ जो किया था महात्मा गांधी ने 1936 में किया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी पार्क स्थापित किया जा रहा है, और ये जो आपका है दोस्तों इटावा में है, कहाँ पर है इटावा, इसका जो आंसर है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। अब ये मल्टीपल सफारी पार्क हो चुका है, यहाँ पर मल्टीपल सफारी मतलब है कि भैया बब्बर शेर तो थे ही, बाकी और भी आपके यहाँ पर क्या है प्रजनन केंद्र बन गया है। अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश में संतरे के पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है। सासे संतरा और सासे सहारनपुर, याद रखिएगा सहारनपुर में संतरे के लिए जाना जाता है। अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से जुड़ा हुआ है। ये बताइएगा ब्रजमंडल में जो कौन सा आपका लोक नृत्य हो जाए, ब्रजमंडल की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये होता है चरकुला होता है, है ना, चरकुला जो कि ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है, यहाँ पर ए नंबर वाला जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश में ब्रजमंडल, तो आप कहेंगे सर चरकुला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का जो गुरु पूर्णिमा पर्व है ये समर्पित है कौन से आपके ऋषि को। चलें ये जो गुरु पूर्णिमा है ये कौन से ऋषि को समर्पित है, ये है आपके व्यास को, है ना, जो आपके व्यास हैं। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो राइट हो जाएगा आपका, कौन ए नंबर राइट हो जाएगा, है ना। देखा जाए तो हिंदू जैसे गुरु पूर्णिमा है हिंदुओं और बौद्ध दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश का जो राज्य चर्म विकास विपणन निगम लिमिटेड है आपके कहाँ पर है। चलिए यहाँ पर बताना है उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास विपणन निगम लिमिटेड जो है वो आपके कहाँ पर है 44 नंबर में। तो यहाँ पर याद रखिए इसका आंसर जो आपका ए दिया है वो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। अगला है कि भैया 13 से 26 2024 की बात है, 13 से 26 मई के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था जिसका नाम है शक्ति, इसका जो 7वां संस्करण है किन देशों की सेनाओं के बीच आयोजित किया गया है। तो भैया शक्ति जो सैन्य अभ्यास है ये हुआ है आपके भारत और फ्रांस के बीच, किसके भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। अगला है कि जून 2024 में किस राज्य के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। देखिए यहाँ पर जो आंसर है 46 में वो आपके बिहार में है, ये जो आपका नागी है और नकटी पक्षी अभ्यारण्य है ये आपके बिहार में है जिसको रामसर स्थल में सूची में शामिल किया गया है। अगला दिया गया है कि जून 2024 में मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है, मतलब जो पहले थी वही अभी भी है, लगातार 8 बार देखा जाए वही स्थिति बनी हुई है, ये है 6.50% इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है कि जून 2024 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकिलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है। देखिए 48 नंबर में ये जो आपका है सिक्किम में है, है ना, याद रखिएगा कि भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने याद रखिए प्लास्टिक का जो अपशिष्ट प्रबंधन है उसका रिसाइकिलिंग करना ये संयंत्र उद्घाटन किया गया है आपके सिक्किम में किया है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज की जो भारतीय महिला है उसका नाम इनमें से क्या है। देखिए 49 नंबर में तो आप कहेंगे सर 49 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा, इनका नाम है ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, 55 वर्ष की हैं, देखा जाए सबसे उम्रदराज की महिला हैं, माउंट एवरेस्ट को फतह कर दिया है, है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो भैया एक अच्छा खासा रिकॉर्ड भी इनके नाम हो गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर दिया गया है कि अप्रैल 2024 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में से किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर चुना गया है, और ये चुना गया है आपके नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो कि आपके सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स यहाँ पर याद रखिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर चुना गया है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक वस्तु या वर्ग जो एक से अधिक मूल वस्तु या मूल वर्ग से गुणों और विशेषताओं को प्राप्त कर सकता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है।
दोस्तों ये होता है एकाधिकद या एकाधिक वंशागति। क्या बोलते हैं? एकाधिक वंशागति कहते हैं। यहाँ पर जो है एक वस्तु है या वर्ग है जो एक से अधिक मूल वस्तु या मूल वर्ग के गुणों और विशेषताओं को प्रकट करता है या प्राप्त करता है। अगला है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो पूर्ण करवाया था किसने? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपकी इल्तुतमिश ने करवाया था। नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 53 नंबर ऑप्शन देना है और 53 का ऑप्शन में से होगा क्या? चलिए 53 का ऑप्शन देखिए आपका बी नंबर। 1907 में प्रथम विभाजन हुआ था, है ना, सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर जो आ रहा है वो बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? 23वां अधिवेशन था। कौन सा? 23वां अधिवेशन हुआ था। रास बिहारी बोस इस अधिवेशन की क्या किए थे? अध्यक्षता किए थे। यहाँ पर अगला दिया गया है, निदेशक तत्व। क्या दिया है? निदेशक तत्व में उल्लिखित जो अनुदेशन पत्र है मिलते जुलते हैं। ये पे 54 नंबर जो आपका दिया है वो आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम, जो 1935 का अधिनियम था। यहाँ पर देखा जाए अनुदेशन पत्र से मिलते जुलते आपके हैं। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी नंबर। ये जो लिया गया है वो कहाँ से? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो कि नीति निदेशक तत्व आपके हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल किस योजना से संबंधित है? 55 नंबर में। तो ये है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ा हुआ ये पोर्टल है जिसका नाम है राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? एक क्वेश्चन क्रांति से रिलेटेड आपका जरूर आता है। गोल क्रांति का जो संबंध है वो आपके आलू से है। किससे है? आलू से हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। अगला है कि निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन डोपिंग रोधी अर्थात एंटी डोपिंग की जांच करता है? जो डोपिंग रोधी है अर्थात एंटी डोपिंग की जो जांच करता है वो कौन सा करता है, कौन सा अधिकारी करता है? तो दोस्तों याद रखिए, ये है आपका कौन? व्यापार उपचार महानिदेशालय। नया क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि व्यापार उपचार महानिदेशालय, जो कि वाणिज्यिक विभाग, डोपिंग रोधी की जाँच करता है ना। इसका जो आंसर है वो आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल का प्रथम चरण द्वारा वर्णित किया गया है। जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल का प्रथम चरण, और ये जो प्रथम चरण आपका है वो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ये जो ऑप्शन है वो आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल का प्रथम चरण है जो कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर द्वारा वर्णित रहता है। अगला है कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? चलिए यहाँ पर बताना है गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। 59 नंबर में ये मेघालय में है। गारो खासी जयंतियाँ ये मिलती हैं आपके मेघालय में। ऑप्शन सी बनेगा। अगला है कि प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा है? प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण पूछा गया है। 60 नंबर में आप कहेंगे सर ये आपका घास स्थल है, क्योंकि प्रकृति में ये जो मिलेगा कौन? घास है, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और जब घास मिलेगा तो बस ऑप्शन लगा दीजिएगा। यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। प्राकृतिक स्थलीय वो भी लगाया है ना। क्या दिया है? स्थलीय लगाया है। और जब स्थलीय लगाया है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस आपकी कौन सी है? चलिए बताना है, कह रहा है कि पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस जो आपकी है, और ये प्रचुर गैस है आपकी नाइट्रोजन, क्योंकि मालूम है सबसे ज़्यादा जो गैस मिलती है वो नाइट्रोजन मिलती है, 78.08% लगभग आपको मिलती है। फिर ऑक्सीजन मिलती है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति वर्ष में अपनाई गई थी। चलिए यहाँ पर बताना है आपसे, कह रहा है प्रथम राष्ट्रीय जल नीति वर्ष में अपनाई गई थी। 62 नंबर को ऑप्शन देना है और 62 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो आप कहेंगे 1987 में। कब अपनाई गई थी? तो 1987 में प्रथम राष्ट्रीय जल नीति अपनाई गई थी। बाद में क्या हुआ? 2002 में, फिर 2012 में, इसे दो बार संशोधित भी किया गया है। ठीक है, कब? 2002 में और 2012 में भी इसे संशोधित किया गया है, लेकिन प्रथम जो आपकी है वो आपकी 1987 है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली आपसे पूछा है, तो आप कहेंगे सर ये कथक है, जो कि ऑप्शन सी बनेगा।
अगला दिया गया है FTP। FTP जो आपका है फुल फॉर्म पूछा गया है। यहाँ पर क्या होता है, यूज नेट समाचार नहीं होगा, इंटरनेट से फाइल भेजने और प्राप्त करने की विधि है। इंटरनेट से फाइल भेजने और प्राप्त करने की विधि है जो आपकी होती है FTP। आपका होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, याद रखिएगा। क्लियर है? और यहाँ पर दिया गया है कि RERA का पूर्ण रूप इनमें से है क्या। चलिए, यहाँ पर इसका पूर्ण रूप पूछा है और 65 नंबर का जो ऑप्शन है वो बनेगा रियल इस्टेट। क्या दिया है यहाँ पर, याद रखिएगा कि रियल इस्टेट ऑप्शन डी, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, मतलब ऑप्शन जो आपका डी आ रहा है वो जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का जो गठन है ये किया गया था कहाँ पर। चलिए, यहाँ पर देना है तो दोस्तों ये बात है कब, 1960 की बात है, ठीक है। 1960 में बगदाद में एक सम्मेलन हुआ था, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है ओपेक का गठन किया गया था। वर्तमान में पूछे सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 12 सदस्य देशों की संख्या है, तो 66 का ऑप्शन क्या हो गया, बगदाद सम्मेलन इसका आंसर राइट हो जाएगा। वियना पूछे आपका, वियना कहाँ है, तो आप कहेंगे वियना, मतलब इसका जो मुख्यालय है वो आपके वियना में है। अगला आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाया जाता है ये आपको बताना है, तो 67 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 67 का ऑप्शन सी बनेगा, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भू हदबंदी निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करती है। भू हदबंदी निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करती है 68 नंबर में। देखिए 68 की बात करते हैं तो आप कहेंगे भू हदबंदी जो है ये उस अधिकतम सीमा का निर्धारण जिससे अधिक कोई भी कृषि भूमि नहीं रख सकता है। याद रखिएगा, कृषि जो आपकी भूमि है इससे ज़्यादा नहीं रह सकता है, एक लिमिट रखी जाती है, एक सीमा होती है, उसे कहते हैं भू हदबंदी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत पुनर्वास और पुनर्स्थापना के लिए नियुक्त एक अधिकारी को कहा जाता है। पिछली मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन आपका था। यहाँ पर इसे कहते हैं प्रशासक। क्या कहते हैं? यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा, प्रशासक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइबर अपीली अधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की जो समय सीमा है वो कितनी है। यहाँ पर बताना है कि भैया अपीली जो समय सीमा है ये आपको करने के जो समय दिया गया है वो कितना है। याद रखिए 60 दिन होता है। साइबर अपीली अधिकरण के आदेश के खिलाफ अगर अपील दायर करना है तो इसकी जो समय सीमा है वो आपकी कितनी होती है, तो 60 दिन होती, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है साइबर अपराध में क्या शामिल है। देखिए साइबर अपराध में क्या क्या शामिल हो सकते हैं, तो याद रखिएगा कि साइबर अपराध में याद रखिएगा कंप्यूटर के माध्यम से जो छल करता है, कंप्यूटर के माध्यम से बौद्धिक संपदा संबंधी अधिकार हो गया, इंटरनेट के माध्यम से किसी भी एकांतता भंग करना, अर्थात इनमें से डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, इनमें से सभी इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में शब्द समाजवादी पंथनिरपेक्ष धर्म पंथनिरपेक्ष अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे। यहाँ पर देखा जाए 72 नंबर में, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, 1976 में इनको शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है। भारतीय संविधान के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है। 73 नंबर आप कहेंगे सर ये अनुच्छेद जो 74 और 75 है इसमें से संसदीय के बारे में बताया गया है, मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। आंसर नंबर आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान शामिल किए गए हैं। आपातकालीन प्रावधान जो आपके हैं वो कौन से भाग में शामिल किए गए हैं। 74 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, 18 में। और आपातकाल कहाँ से लिए गए हैं, तो आपके जर्मनी से लिए गए हैं, आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आपको चुनना है, श्रृंखला को आपको पूरा भी करना है। यहाँ पर बताइएगा कौन सी श्रृंखला है जो इसको पूरा कर रही है। चलिए, क्या रीजनिंग में भी आपकी तैयारी है।
चलिए ये दो क्वेश्चन की जवाब आपको देना है ना। सॉल्व करिए और बताइए जल्दी से। एक एक गैप प्लस सिक्स। अच्छा भैया देखें, यहाँ पर देखा जाए तो 11 के बाद 12 है, मतलब एक हो गया जोड़ा गया है। 12 के बाद पाँच जोड़ा गया है, पहले एक जोड़ा गया है, फिर पाँच जोड़ा गया है, फिर एक जोड़ा गया है ना, फिर 18 पाँच 23, फिर पाँच जोड़ा गया है ना, फिर एक जोड़ा गया है, फिर पाँच जोड़ा गया है, और 24 पाँच हो जाएगा 29, मतलब ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना, क्लियर है। अगला है दिए गए विकल्प में सही विकल्प आपको चुनना है जो कि श्रृंखला को पूरा करना है। तो भैया यहाँ पर 76 नंबर भी आप लोग इसी प्रकार बता दीजिएगा। एक के बाद दो, दो के बाद छः, छः के बाद 24, मतलब यहाँ पर हो रहा है क्या, यहाँ पर जो अक्षर हैं है ना, ये बड़े दूर दूर वाले हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर गुणा किया गया होगा। हमने कहा था जब सीरीज में अंतर ज़्यादा का होता है इसका मतलब एक गुणा ज़्यादा गुणा किया गया होगा। अब यहाँ पर मल्टीपल अर्थात देखा जाए, एक इंटू दो तो आपका दो हो गया, दो इंटू तीन करेंगे दो तो ये छः हो जाएगा, छः के चार करेंगे पहले दो का, फिर तीन का, फिर चार का, फिर पाँच का, तो इसका मतलब है कि अगर 24 में से अगर हम पाँच का गुणा कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 पंचे 120 हो जाएगा। तो आप कहेंगे जी सर जी 120 वाला ऑप्शन आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। जब दूर दूर का रिश्ता होता है तो गुणा का होता है, और जब बिल्कुल से डिफरेंस कम हो जाए तो इसका मतलब है कि भैया वो भाग हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर इतने क्वेश्चन आपके यहाँ पर लिए गए थे। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।